ये देखो इन पहाड़ियों के ऊपर है शालीटीबा, वो सामने जो आप वो टॉप में देख रहे हो। श्री भीमा काली मंदिर शालीटीबा एरो लगा है। ये जो बंदर वो खाते हैं ना, हम बंदर हैं, बंदर गुड़ भी दे, बंदर गुड़ भी खाता है। लो जी, वो सामने जो दिख रहा है वो है शालीटीबा, जहां माता का मंदिर है भीमा काली जी का। देख के ऊपर वाले कैंडिडेट्स देख के हेलो फ्रेंड्स, हेलो, वी आर बैक अगेन विद वन मोर वीडियो। आज हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? शालीटीबा। एक ये बहुत अच्छा मंदिर है, भीमा काली माता का मंदिर है यहाँ पे। और ये शालीटीबा अगर आपको शिमला से आना है तो शिमला से लगभग ये 35-40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो शिमला से आने के लिए सबसे पहले आप मशोबरा क्रॉस करके बलदेहा जगह आती है 17-18 किलोमीटर के बाद। फिर बलदिया से राइट साइड आपको लेना है खटनोल बेस पॉइंट है इस ट्रैक का। आपको खटनोल तक आपकी गाड़ी आ जाएगी और खटनोल से फिर आपको ऊपर ट्रैक करना है। तो अभी हम यहाँ खटनोल के पास पहुँच चुके हैं, तो अभी जहाँ तक देखते हैं गाड़ी कहाँ तक जाती है, उसके बाद हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो इस रास्ते में जैसे आप बलदिया से अंदर की खटनोल की तरफ मुड़ोगे तो बहुत अच्छे सीनिक व्यू मिलेंगे आपको, जो हम अभी इस वीडियो में डालेंगे आगे बीच में। और बहुत इंजॉयबल रोड है ये पूरा, आप इसमें बहुत इंजॉय करोगे। तो चलें फिर हम आपको लेके, यस तो मिलते हैं आपको आगे और दिखाते हैं हमारा ट्रैक की जर्नी, और आपको यहाँ पे आना है तो कैसा रास्ता मिलेगा, क्या है, और आगे जाके मंदिर के भी दर्शन करते हैं। चलो जी, ओके, आ जाओ। ये देखो इन पहाड़ियों के ऊपर है शालीटीबा, वो सामने जो आप वो टॉप में देख रहे हो ऊपर, वो है शालीटीबा। हमें वहां जाना है टॉप पे, और उस पे जाने के लिए नीचे गांव है, नीचे कथनोल, वहां तक गाड़ी जाती है, उसके ऊपर हम ट्रैक करेंगे। वहां से देखते हैं कैसा व्यू आता है। और यहाँ का देखो, रास्ते से हमने खड़े होकर ये व्यू बनाया, फोटो बनाइए, कितना सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ का जो लैंडस्केप है वो अलग ही टाइप का, ये देखो कितना फ्लैट आपको यहाँ पे पहाड़ मिलेंगे, दूर तक का व्यू स्ट्रेट। हाँ जी, आज तो आपकी ट्रैकिंग है? हाँ जी। वेरी गुड, तैयार हो ट्रैकिंग के लिए? फुल तैयारी, फुल जोश। देखो यहाँ का लैंडस्केप देखो कितना सुंदर है। ये बलदिया से थोड़ा सा आगे आते ही एरिया आता है, और बहुत सुंदर सुंदर सीनिक व्यू है यहाँ पे। चलो जी आगे चलते हैं, फिर आगे का दिखाते हैं आपको व्यू। रास्ते में हमें एक वाटरफॉल मिला।
लो जी हम खटनोल पे पहुंच चुके हैं और ये देखो ये आपको बोर्ड मिलेगा, श्री भीमा काली मंदिर शाली टिब्बा एरो लगा है। सामने चले जाओगे खटनोल और ये छोटा सा रास्ता जा रहा है ऊपर जहाँ पे आपको मंदिर के लिए जाना है। तो यहाँ पे अब ये थोड़ा मिट गया, इस पे लिखा हुआ है कि अगर आप बाई गाड़ी इस रोड पे 2 किलोमीटर और पैदल का रास्ता आगे 5 किलोमीटर। तो पहले हम 2 किलोमीटर गाड़ी आगे लेके जाएंगे ड्राइव करके और वहाँ से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे आगे मंदिर तक की, जो बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे है। चलो इसकी स्टोरी भी आपको आगे जाके बताते हैं, इस मंदिर की क्या स्टोरी है, कैसे किस चीज़ से लिंक है और कैसा व्यू ऊपर से आएगा। और यहाँ से देखो कितना सुंदर व्यू, हाँ जी बढ़िया। कैसा रास्ता का एंजॉय किया आपने, जर्नी कैसी थी? रास्ता बहुत अच्छा है, रास्ते में आपको वाटरफॉल दिखेंगे, हल्का आपको मिनी किन्नौर वाला व्यू आएगा। अगर आप जो किन्नौर नहीं गए, नहीं उस साइड गए, वो इस साइड आ सकते हैं। और शिमला से बिल्कुल ही अलग पहाड़, पूरी ग्रीनरी, लैंडस्केप अलग है। और यहाँ पर जो पेड़ है वो भी अलग है, यहाँ पर वो नहीं है देवदार, देवदार नहीं है, पाइन ट्रीज है, सारी जगह पाइन ट्रीज है मैक्सिमम। चलो चलें फिर आगे। चलो जी चलें, आपको भी दिखाते हैं, चलिए। लो जी देखो ये इस रास्ते से आए हैं, छोटे से हम सिंगल रास्ते से, बिल्कुल ऑफ रोड था। और ये स्टीप करवाने के बाद यहाँ पे आके ये रोड हो गया फिनिश। ये अब हमारी गाड़ी हमने कर दी है पार्क और यहाँ से फिर ये खत्म हो गया। लगभग 2 किलोमीटर था नीचे उस बोर्ड से और ये आगे रास्ता जाएगा ट्रैक करके मंदिर की तरफ, जो लगभग 5 किलोमीटर है यहाँ से ट्रैकिंग, बिल्कुल स्टीप ट्रैकिंग है। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा है, जय माँ शाली, ठीक है, इस रोड से आप आगे निकलेंगे। चलो उससे पहले हमें भूख लगी है तो हम अपना खाना अपने साथ लेके आए हैं, तो पहले हम अपना खाना खा लेते हैं। लो जी हमारा खाना रेडी है, हम घर से लाए बना के, ये देखो अपना खाना लाओ और इस पॉइंट पे बैठ के खाओ। हमारी मम्मी तो होगी स्टार्ट, पोजीशन ले ली है डाइनिंग टेबल पे। मम्मी जी आप डाइनिंग टेबल, माता जी ये लो डाइनिंग टेबल, अपना लो खाओ। इधर बैठो मम्मी, उधर तो मम्मी कहीं भी बैठे। अब टाइम तो हो गया है लेट 3:30 और लगभग बताया जैसे 2-3 घंटे लगेंगे। है तो डेंजरस रास्ता, बिल्कुल सुनसान, कोई नहीं है हम 4 के अलावा इस जंगल में। देखो और इधर से पहाड़ी का व्यू देखो, इस पहाड़ी की चोटी के ऊपर जाना है, ये पहाड़ी इसकी चोटी पे जाना है। चलो जी मैं भी खाना खा लेता हूँ फिर ज्वाइन करते हैं आपको ट्रैकिंग पे। लो जी अब अपने अपना लंच कर लिया और हमने स्टार्ट कर दिया अपनी ट्रैकिंग। हाँ जी कैसा लग रहा है आपको ये उबड़ खाबड़ पहाड़ों के बीच से चलना? बहुत एक्साइटमेंट है कि कैसा रास्ता होगा। 5 किलोमीटर की स्टीप चढ़ाई है, बलि प्रतिबंधित। ओके देखो नीचे से आए हैं और ये ऊपर जाना है, ट्रैकर रेडी हो गए हैं। वो देखो हमारी गाड़ी वो नीचे खड़ी है और हम ऊपर आ गए हैं। कुछ थोड़ी बहुत रिव्यू देखो, व्हाट अ वंडर। देखो हमारे साथी आगे निकल गए, अरे मुझे भी ले लो साथ में, मुझे भी ले लो साथ में। पहाड़ों को पार करके अपनी मंजिल पर हम पहुंच जाएंगे। चलो आज आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ का पता लग जाएगा कितने घंटे में आप पहुंच सकते हो। आते आते तो मुझे लगता है रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो इसे जितने स्पीड से हो सके काम खींच के लो।
पूरी शांति, सुनसान, प्योर एयर, कोई पोल्यूशन नहीं, क्योंकि गाड़ी यहाँ तक आती नहीं। यहाँ से 2 किलोमीटर लगभग हम आ गए हैं, तो 2 किलोमीटर के बाद मोर टेबल रोड खत्म हो गया है। और ये देखो पूरा जंगल के बीच में देवदार के पेड़ों के बीच से निकलते हुए। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको ट्रैकिंग करके? सिर्फ थोड़ा टाइम लेट हो रखा है ना, मतलब रुक के। वैसे हमारा प्रोग्राम था कि इस लोकेशन पे कहीं रुक के चाय बना के पीने का, लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम है नहीं, क्योंकि हमें वापस भी आना है शाम तक। शाम के अभी 4:15 हो गए ना, तो 6-7 बजे के बाद तो अंधेरा हो ही जाता है स्टार्ट। जितने जल्दी हो सके हम कवर करने की कोशिश करेंगे इसको। हाँ जी, हाँ जी, हेलो जी। हाँ हाँ, खूब इंजॉय, पियो पानी। हाँ हाँ, वंडरफुल लोकेशन। बार बार इसको देख के मेरे मुंह से ये निकलता, वंडरफुल लोकेशन। यस, थोड़ा रेस्ट टाइम, थक गई काफी। बंदर खाली चने नहीं खाता, गुड़ भी खाता है बंदर। मम्मी से गिर गया, बोरी वो बंदर के रख दिया मैंने, एक चना दाना गिर गया। लो जी, गुड़ भी आ गया, बंदर का पूरा हो गया अब कोटा। हाँ पूजा, आप लगभग पहुंचने के घर पे, कैसे लग रहा है आपको? पाँच बजे का टारगेट है पहुंचने का, देखते हैं गए आके देख के। ए ए ए ए ए बैल है ये, बैल। हाँ जी, आ जाओ। बैल जी, आ जाओ आप भी। हाँ हाँ जी, जाए ऊपर माता रानी के पास है। बिल्कुल छोटू सा बैल है, टांगे देख, देखो कितना छोटू, छोटू कितना बैल है, कितना छोटू बैल, देखो बैल तो कितना छोटा सा। देखा मैंने कति, बिल्कुल ब्लैक है, छोटा बैल है। कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन है ना, आज हम भी जाएंगे, हमें कोई पानी भी दे, शाम को आ जाए। वाओ, क्या सीन है, चोटी पे पहुंचने के आसपास पहुंच गए हम। ये देखो दो ट्रैकर हमारे पानी मांग रहे हैं, पानी पिलाते हैं, पानी पिलाओ भाई ट्रैकर्स को। चोटी के आसपास, चोटी बिल्कुल बस पास में ही है, पता नहीं ये चोटी पे मंदिर है या किसी और पे। ओहो, पानी वानी लेके आओ अपना, खाने पीने का, चॉकलेट वोकलेट, एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज एनर्जी चाहिए बीच बीच में।
क्या आ गया मंदिर? कहाँ पे? वो सामने? नहीं नहीं, ये नहीं है, वो तो बिल्कुल पीक पे है। अभी थोड़ा और है, ये बीच में कोई छोटा मोटा मंदिर कुछ होगा, वो तो बिल्कुल चोटी के ऊपर है। अपने शूज ठीक कंडीशन में हो यहाँ पे आने के लिए। ये तो मंदिर ने बीच में ऐसे कुछ बनाया हुआ है, छोटा कोई देवता का कुछ होगा। अभी और जाना हमें, अभी नहीं आया। ये पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये देखो टैंक भी है यहाँ पे पानी का, कोई है सप्लाई वगैरह स्कीम। हमेशा हमेशा उधर जाना है ऊपर, इधर से पहाड़ी काट दिया। यहाँ क्या है? यहाँ से भी रास्ता है यार, ये पता नहीं कहाँ जाता है। दो रास्ते आ गए हैं, इधर जाएं या इस साइड पीछे जाएं। नुगला रेस ये जाएगा क्योंकि ये हमारा बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे एक बोर्ड मिला है, शाली रोड कंस्ट्रक्टेड बाय ल्यूट हिज हाइनेस महाराजा हर इंदर सिंह बहादुर ऑफ फरीदकोट इन 1936 बसंत लाल वजीर भाजी स्टेट 1936 में महाराजा इंदर सिंह फरीदकोट के जो राजा थे उन्होंने ये रोड बनवाया। इसकी एक स्टोरी मैंने नेट पे पढ़ी थी कि भाई उनको कोई बेबी नहीं था तो वो इस मंदिर में आए थे, तो यहाँ आने के बाद उनको एक बच्चा हुआ तो उसके बाद इन्होंने ये रोड बनवाया मंदिर तक, और वो रोड आज तक चल रहा है। हाँ जी, लो चलो जी, अभी हमें लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं, 2.5-3 घंटे चलते हुए। और ये देखो लो जी, वो है शाली टिब्बा और मंदिर जी ऊपर, ये देखो लो जी, वो सामने जो दिख रहा है वो है शाली टिब्बा जहां माता का मंदिर है, भीमा काली जी का। जय माता की। अभी यहां से वहां तक जाने में लगभग 45 मिनट का टाइम और है। हाँ जी, ये देखो जी ट्रैकर्स, ये रास्ता आगे जाएगा मंदिर, और वो है चोटी पे मंदिर, पूरा चोटी पे। लो जी, हाँ जी मैडम, कैसा है? बढ़िया है, पर हम नीचे यहाँ भी थोड़ा बहुत ऊंचा चढ़ना है। वो पीछे चोटी पे देखो, वो चोटी है माता की। अभी यहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता हो रहा है और टाइम हो गया है पूरे 6। अगर हम अभी जाएंगे तो 1 घंटे 7 बजे पहुंचेंगे, ऊपर पूरा अंधेरा, फिर नीचे नहीं उतर पाएंगे। और ऊपर वैसे रुकने बताया है, रुकने के लिए सराय वगैरह है, बिस्तरे मिल जाते हैं, पर अभी पता नहीं कोविड में वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ओहो, पूरा मिड ऑफ द जंगल ऑन द टॉप ऑफ हिल। देखो कान हो गए हैं, सर में थोड़ा भारीपन है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा ये डिसाइड हुआ है सभी का कि अभी टाइम हो गया है 6:15, हमने 5-10 मिनट इस चोटी पे आके थोड़ा आराम किया। अभी वो पीछे जो चोटी देख रहे हो, वो पीछे देखो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे है मंदिर। अभी इसका रास्ता लगभग 1 घंटे का हो रहा है। हाँ,
दो एक घंटा जाएंगे तो हमें 7:15 बज जाएगा और अंधेरा हो जाएगा और हमें वापस घर भी जाना है। तो अभी हमने इस जर्नी स्टार्ट की थी लगभग 3:30 बजे और लगभग 3 घंटे में 3.25 घंटे में हम यहाँ तक पहुंचे और 1 घंटा और है और कोई हम रास्ते में ज्यादा रुके नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बार रुके हैं बीच में। हमें यही था कि जल्दी से जल्दी हम ऊपर पहुंच के इसको आपको दिखा पाए, लेकिन अब टाइम हमारा थोड़ा ओड हो गया, हमने थोड़ा लेट जर्नी स्टार्ट की। तो जो भी आए यहाँ पे तो आप अपनी ट्रैकिंग 12 बजे से पहले स्टार्ट कर लें, क्योंकि कम से कम 4-4.5 घंटे लगते हैं ऊपर आने में। नहीं यहाँ रुके के भी थोड़ा बहुत रेस्ट, 4-4.5 घंटे लगते हैं आम नॉर्मल आदमी को आने में ऊपर। तो बाकी मैं थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ इस मंदिर की। ये मंदिर भीमा काली मंदिर है, भीमा काली माता का, जो एक सराहनीय मंदिर है भीमा काली का ओरिजिनल मंदिर। तो वहां पे नरबलि दी जाती थी, तो यहाँ इस एरिया से एक साधु वहां गए थे उस सराहन में। तो वहां पे उन्होंने उस भीमा काली माता के अंदर कुछ अपनी पूजा वगैरह करी, तो वहां के आदमियों ने जब उनको बोला कि हमारी ये प्रॉब्लम है कि यहाँ नरबलि दी जाती है, तो साधु से रिक्वेस्ट की कि आप माता को बोलो, भीमा काली माता को, इसको बंद कर सके। तो उन्होंने वहां पे पूजा करके माता को खुश किया, तो माता ने उनकी उस पूजा से खुश होके नरबलि बंद कर दी भीमा काली मंदिर जो सराहन में है। तो उसके बदले में उन जो साधु थे जो वहां गए थे, उन्होंने आके यहाँ पे ये मंदिर बनाया जो इस एरिया की सबसे ऊंची चोटी है इस चोटी पे। और एक स्टोरी और जुड़ी है यहाँ पे कि इस चोटी पे जो 1936 में या उससे पहले फरीदकोट के राजा आए थे, उनके बच्चा नहीं हो रहा था, उनका बेबी नहीं था, तो उस बेबी के लिए दुआ मांगने आए थे। तो उसके बाद उनको यहाँ पे बेबी हुआ, तो उन्होंने फिर ये रोड जो अभी हम जिस रोड से चल के आए हैं, जैसा रोड है कच्चा रास्ता, ये उन्होंने बनवाया राजा फरीदकोट ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको इस ब्लॉग में पूरा ट्रैकिंग का रास्ता कवर किया है, और रास्ते में बहुत अच्छे सीनिक व्यू हैं यहाँ तक आने में भी। अब जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी उससे बीच में भी आपको बहुत अच्छा लैंडस्केप मिलेगा और नीचे से चोटी भी दिखती है। तो चलो, हम इस बार तो आपको ये मंदिर के दर्शन नहीं करवा पाए, तो नेक्स्ट टाइम अगर हमें दोबारा आने का मौका मिला तो ऊपर तक आपको जरूर लेके जाएंगे। आप आओ तो 12 बजे से पहले यहाँ पे अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दो, और जितनी जल्दी हो सके तो सुबह करोगे तो शाम को इजीली आप पहुंच जाओगे। तो इस बार के लिए सॉरी, तो सभी के लिए तरफ से आप बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और हमारे चैनल को क्या करना है सभी, मम्मी क्या करना है सब्सक्राइब मम्मी बताएगी, बेल दबा दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। हम नीचे उतर रहे हैं अब मंदिर जंगल के रास्ते, अभी भी लगभग कितने बताएं, पता ही नहीं लग रहा, 3 किलोमीटर की तो होगी, 3 किलोमीटर राइडिंग है। हाँ जी, जंगल के बीच से अंधेरे में डर नहीं लगता दोनों को? ना, मेरे को डर नहीं लगता, बस गिरूं ना बस। हाँ बस, हाँ ये है कि भाई पैर शेर है, यहाँ बालू आता, शेर आता ही नहीं। देख के ऊपर वाले कैंडिडेट्स देख के, ये देखो जंगल ट्रैकिंग से लाइट मार के पैरों पैरों में चलने आता है। लो जी, फाइनली 2.5 घंटे की उतराई के बाद हम अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए, जंगल के बीच में सुनसान रास्ता, पूरी अंधेरी रात। ये हमारा साथी, ये हमें घर लेके जाएगा अब, ये हमारा दोस्त है। आ जाओ भाई, आ जाओ, लाइटों